डाइट एक जैसा नहीं है। बोले हाँ, आज ये 17 जुलाई 17 अगस्त 2011 है, 17 अगस्त 2011 है। आजकल के अगस्त के महीने में, सितंबर जुलाई अगस्त में ऐसे शेडेड बादल आते हैं कि कैमरे से उनका पोज बहुत बढ़िया बनता है। अभी इस समय देख रहे होंगे, अभी कपड़े की शाइनिंग, फल के ऊपर ये चकोतरा है जो गागर नींबू है, इसमें देखिए तमाम लगे हुए हैं, छोटे भी लगे हैं, बड़े भी लगे हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं अंदर लगे हुए हैं वो देखिए, और थोड़ा आगे से बैठ के बना लीजिए, अंदर की तरफ लगे हुए हैं, ये सब नए फल हैं, ये सब नए फल हैं। तो फिर अब ये पुराने जो पुराने फल हैं ये सब पेड़ से गिर रहे हैं। तो आज एक हैं, एक अंसारी साहब हैं BSNL में, उन्हीं के लौटे हैं, लैपटॉप का बड़ा अच्छा काम जानते हैं, अनारूल हक ऐसे कुछ है, बहुत ही शरीफ आदमी हैं साहब, लैपटॉप में वही आके सब काम कर जाते हैं, वो हमारे लिए वो फरिश्ते से कम नहीं है, बहुत नेक दिल इंसान, मैं उनकी क्या तारीफ करूं। तो रोज़ा में आजकल जो है रोजे चल रहे हैं, तो हमने देखा कि एक अजूबा फल उनको भेंट करें, एक खट्टा मीठा होता है और रोजेदारों में थोड़ा थोड़ा भी लोग खाएंगे तो एक सबाब का काम होगा। अच्छा ही देखिए ये भी है, ये उससे ज़्यादा अभी हरा कड़ा है, तो ये अब दो फल अपने आप है आज ये गिर गए, तो हमने कहा इनको दे देंगे। और ये आप यहीं एक मिनट रखिए, हम 12 मासी आम ला के दिखा रहे हैं, पेड़ से हमने अभी दिया है, देखिए अब ये 12 मासी आम है, ये देखिए बिल्कुल हरी नहीं, पट्टी सही दिखाओ इसका, देखिए ये 12 मासी आम है, पेड़ से निकला हुआ है। तो हमने कहा किसी विशिष्ट व्यक्ति को दे देंगे, इस समय मार्केट में आम अब कहीं देखने को नहीं, आम उम सब बिका के सब खत्म हो गए। तो क्या नाम, इस कैमरे में कुछ किनारे गंदगी लगी है, इसको साफ करने आना है, ठीक। तो ये 12 मासी आम जो है यहीं के पेड़ से अभी हमने लिया है, और मैं पत्ती के, तो हमने कहा अभी किसी को इसको भेंट करेंगे। और इस समय गोल्डन चंपा जो है उसके बाहर हैं, इस समय उनका साइज बहुत बड़ा हो गया है। आइए ये गोल्डन चंपा है, ये उसकी कली भी है, काफ़ी तेज सुगंध आ रही है इस समय जो है। तो ये इसमें सिंगापुरी कमरक लगे हुए हैं जो है इनको, तो अब अलग अलग हैं इनके, अब इनको तोड़ना, ले जाना, बांटना, अभी बंदर भोज के लिए हमको जाना है, मतलब सब काम ही काम रहता है लगातार। अब लैपटॉप से बनवाना है वो भी हमको देखना पड़ता है। तो हम कुछ ये जानकारी देना चाहेंगे आपको, तो आप उसी स्थान पर चलिए जहाँ अच्छी लाइटिंग है, तो हम एक जानकारी आपको देंगे कैमरे के सामने, आइए। इसको किसी साहब को देंगे, आइए। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये हमारा अनुभव है, अनुभव से जो बातें होती हैं, भाई हमने राम कथा सुना, हमने पुरानी पौराणिक कथाओं को सुना, अब कई % उसमें बात सही है या कि गलत है, क्या है क्या नहीं है, एक शंका तो हो ही जाती है मन में। लेकिन जो आज के युग में आदमी जीवित हो, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हो, तो आप उसकी सुनो,
और सुन करके उसको अपने प्रैक्टिकल में करके देखें आप। जैसे कि बड़े मंगल पर आप बंदरों को शरबत पिला के देखिए कितना कोई चमत्कार होता कि नहीं होता। नवरात्र में मिट्टी की देवी की पूजा में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है, मेरा अनुभव है कि नवरात्र में ही सही, जो सचमुच की देवी हो। सचमुच की देवी जो है वो आपको देहातों में शहरों में हजारों घर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उसकी पहचान जानते क्या है? उसका पहनावा, उसका पोशाक, वही देवी है। वो देवी नहीं है कि बिल्कुल इतने बड़े कपड़े में बाहर घूम रही हैं सरेआम, और अब क्या बताएं, सब आप लोग देख रहे हैं। तो आप मिट्टी की देवी की पूजा करेंगे, कुछ काम नहीं, ना आज तक किसी का बना है? जैसे लोगों ने कहा, हमने कहा भवनेश्वर वो वैष्णो देवी जाने से क्या लाभ हुआ? तो एक साहब थे सम्राट रेडियो वाले, उन्होंने कहा साहब हमारी दूसरी शादी हो गई और हमारे पुत्र नहीं रहे, तो दो पुत्र हो गए। तो हमने कहा इसका मतलब यह हुआ कि वैष्णो देवी जाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जितने निर्वंशी हैं उनको टीवी के जरिए आप उनको खबर दे दीजिए कि वो लोग कैमरे को ज़्यादा नहीं रहो, वो लोग वहाँ चले जाएं वैष्णो देवी, और सब एक एक औलाद लेके चले। हमें ये कर्मों पर आधारित है। वैष्णो देवी जाने में सह शक्ति है, लेकिन आपके कर्म भी तो अच्छे हों। अमरनाथ आप जाइए, लेकिन आपके कर्म अच्छे हों। कर्म अच्छे हैं नहीं। अरुण सिंह नाम का एक लड़का बरगद चौराहे पर, लोग अमरनाथ की यात्रा गए उस पागल को छोड़ करके। पागल क्या था, दिमाग उसको भीषण तकलीफ थी, इसलिए पागल हो गया था। और वो लोग अमरनाथ गए, खरामा खरामा लौट आए, उनसे पूछा अमरनाथ मिले, हाथ मिलाया, आपको सपने में आए नहीं आए? लेकिन अरुण सिंह से पूछो जाके बरगद चौराहे पर, अरे साहब दो महात्माओं को मैंने वहाँ देखा है, बल्कि तीन हैं। एक तो वहाँ मैंने देखा है शिव मोहन मौर्या, मैं कहीं नहीं चाय पीता हूँ, मेरा एक रिकॉर्ड है, लेकिन वो चाय हमको कैसे पिला देता है अब ये बजरंगबली जाने, हम बता ही नहीं सकते। बरगद चौराहे की मैं बात कर रहा हूँ, बरगद चौराहा रायबरेली, वहीं एक मिठाई वाले हैं, मिठाई की दुकान उनकी तिवारी जी की, सुरजीत तिवारी। मैंने उनसे यही आग्रह किया, हमने कहा महाराज हमारा हर पैसा इसी महान कार्य में सेवा में लगता है, हमको कुछ मिठाइयाँ बेटी को देना है या कहीं व्यवहार में देना है, तो हमको कुछ रेट तो कहें बाबा जी, हम एक रुपये आपसे मुनाफा नहीं लेंगे। ये सुरजीत बाबू के शब्द हैं, सुरजीत तिवारी बरगद चौराहे पर मिठाई की बिल्कुल कोने पर बहुत बड़ी दुकान है। हमने कहा आपने कह दिया, आपने हमको मुट्ठी में ले लिया, हम बड़े आपके आभारी हैं, सदैव आभारी रहेंगे, और हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि क्या है भैया, काहे ऊब रहे हो, बस दो मिनट रुको, हम कहीं बुक कर रहे हो, दो मिनट। तो क्या बोल रहे थे, हमारा दिमाग ये लड़का डिस्टर्ब कर देता है, यानी बात कट गई, दस मिनट हमारे निकल गए। खैर हमारा मतलब है कि नवरात्र में आप देवी की कृपा चाहते हो तो आप गधे को खिलाइए, शेर को चिड़ियाघर जाके दूध पिलवाइए, बतख जो सरस्वती का हुआ है उसको आप कुछ खाना दीजिए, क्यों देवी नहीं मिलेंगी, वाहन तो है, तो सजीव की सेवा आप करेंगे, आपको कोई ना कोई चमत्कार दिखेगा। कड़ाही में सब्जी, चूल्हे में आग, सब्जी बन जाएगी, कड़ाही में आग, चूल्हे में सब्जी नहीं बनेगी। आज क्या कारण है कि देवी देवता नहीं सुन रहे हैं? इसलिए आप हमारे बताए हुए प्रयोग को करें, देखें। हमको आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, हम तो एक गिलास पानी पीने से भी कतराते हैं, क्यों? ये अध्यात्म का ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है कि अगर आपने एक गिलास पानी लिया है, अपनी पत्नी से पैर दबवाए हैं, तो आपको भी पत्नी बन के पैर दाबना पड़ेगा। ये अध्यात्म हमारे अध्यात्म की पराकाष्ठा है, नोट कर लीजिए। और लोगों को ये हमको ससुराल से मिला है, बड़े खुश, अरे ससुराल से मिला है उसका तुमको दुगना देना पड़ेगा, ससुराल से मिला है तो बड़े खुश हो गए, खुश मत होइए आप। या सोचिए कि आपने कर्जा ले लिया बिना वजह, आपके
पेट में खाना है और आपने रास्ते में कहीं भंडारे में प्रसाद ले लिया, आप उसके कर्जी हो गए, या तो उतना चढ़ाइए जाके वहाँ। इसलिए सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है कि आप प्राणी मात्र की सेवा करें। मानवता अपने अंदर लाइएगा तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा आप पूजा पाठ करते रहें, मंदिर बाबा के पीछे भागते रहें, कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा वही है, मंदिर वही है, धर्म वही है जो सेवा से परिपूर्ण हो। निस्वार्थ सेवा हमारे जीवन में, एक राकेश श्रीवास्तव लखनऊ की मिले, जो यहाँ के सिविल जज हैं, एक आद्या बहन जी, उनके वो पति देव हैं, बड़े गाड़ी वाले मरते हैं यहाँ, खैर इतनी तेज हॉर्न बजाते हैं डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहने का मतलब है आप प्रत्यक्ष सेवा करें, वही मंदिर है, वही बाबा है। अब राकेश बाबू जो हैं लखनऊ वाले, उन्होंने कहा बाबा जी आप जाएंगे तो बंदर कायदे से खाएंगे और आपके अच्छे ढंग से नहीं। अरे हमने कहा हुजूर हमारे, हम 16 आना काम करेंगे, अगला 10 आना काम करेगा, लेकिन आप ये सोचे ना कि जितना पैसा आप गाड़ी को देंगे, अरे उतने पैसे में तो बंदरों का वो भोज होगा कि हनुमान जी आके घर आ जाएंगे, हनुमान जी को आना पड़ेगा, स्वप्न में आएंगे आपके। पैसे की बर्बादी न करें। अब हमको ये चिंता लगी है कि हम राकेश श्रीवास्तव साहब का, जो डालीबाग लखनऊ के हैं, उनका हम कैसे बचत करें और उनके कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करें। हम जो काम करेंगे उसका कमीशन हमको भगवान दे रहा है, वो उससे बड़े दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ और विराम देने के बाद मैं ये चाहूँगा कि समय समय पर हम लोगों को बताने, मैं गला फाड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, सीढ़ी बन रही है कि आप सेवा करें। नवरात्र में किसी शरीफ औरत को पता लग जाए उसी के जाके दर्शन करें। आप कन्या है, गरीब कन्या, उनको नवरात्र में भर पेट खिलाइए पिलाइए और बढ़िया वस्त्र दीजिए गरीब कन्या को। ये नहीं कि नौ कन्या बुलाया टिट्टी, उनको जलेबी खिला के विदा किया, वो तो आपने फॉर्मेलिटी किया है। अगर नवरात्र की ताकत देखनी है तो गरीब कन्या कन्याओं की कमी नहीं है, गरीब पता लगाइए। जिसके माँ बाप ना हो तो और ज़्यादा सुपात्र है, आगे वो डाली पर रहे तो उसको बढ़िया खिलाइए, खिलाने के अलावा उसको वस्त्र दीजिए। आपके पास अगर पैसा है तो उसको कुछ मुद्रा दे दीजिए, उससे बड़ा ना कोई हवन है, ना पंडित है, ना पूजा है, कुछ नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। आप सेवा करके देखिए, सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, पंडित परमो धर्म, गंगा परमो धर्म, मिट्टी की देवी परमो धर्म, पत्थर का मूरत, पत्थर की मंदिर परमो धर्म कहीं नहीं लिखा, यह शास्त्र विदित है, शास्त्र में लिखा हुआ है। आजकल ये तमाम अन्ना हजारे और ये वो जो बम चल रहा है, हमने कान पकड़ा, हमने कहा ना हमसे ज्यादा कोई हो, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे रामदेव हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर हमसे ज्यादा उन्होंने समाज के लिए कार्य किया हो निस्वार्थ भाव से, तब हम उनके जयकार करेंगे, जाके उनका झंडा लेके घूमेंगे, वरना मैंने हर जगह जाना बंद कर दिया। जिसको 1 करोड़ बार गर्ज हो वो आवे, और अगर हमने उससे ज़्यादा काम किया है तो हमसे हमारे चरणों को छुए या प्रणाम करे और हमसे सीखे और जाए। अपने राम को क्या चाहिए, ना दौलत है, ना टिकट है, कुछ नहीं चाहिए। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ और मैं आगे की बात फिर समय समय पर बताता रहूँगा। जय श्री राम, धन्यवाद।